टीम इंडिया इस वक्त वेस्ट इंडीज के दौरे पर है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद आज से वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी। रोहित शर्मा के अलावा युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। लेकिन टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों मैचों में फ्लॉप साबित हुए। लेकिन इसके बाद भी टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने उन्हें टीम इंडिया का अगला कप्तान बताया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कमेंट्री करते समय पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर कहा, निरंतरता एक मुद्दा रहा है, उन्हें इससे उबरना होगा क्योंकि रोहित शर्मा के जाने के बाद भारत के पास अजिंक्य रहाणे कप्तानी का अच्छा विकल्प है। रहाणे को रन बनाने होंगे और उसके बाद बाकी सब चीजें होंगी। वसीम जाफर ने अजिंक्य रहाणे को लेकर आगे कहा कि 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका फॉर्म अच्छा था, जिस तरह ने उन्होंने नेतृत्व किया, मेलबर्न में शतक बनाया, अगर उनका फॉर्म वैसा ही रहता है तो वो अगले टेस्ट कप्तान होते, लेकिन उसने अपना फॉर्म खो दिया और टीम से बाहर हो गए। आपको बता दें कि टीम इंडिया के सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे टेस्ट टीम से काफी समय से बाहर चल रहे थे, लेकिन आईपीएल 2023 में शानदार फॉर्म के चलते अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम में फिर से मौका दिया गया और अपनी वापसी के पहले ही मैच में अजिंक्य रहाणे ने WTC फाइनल में और 46 रनों की पारी खेली। इसके बाद वेस्टइंडीज दौरे पर अजिंक्य रहाणे को टीम इंडिया का फिर से उपकप्तान बनाया गया, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ दो पारियों में अजिंक्य रहाणे सिर्फ 3 और 8 का स्कोर ही बना सके।